हाँ जी बच्चों, सेंटर ऑफ मास हम कर रहे थे, है ना। तो सेंटर ऑफ मास को ज़रा हम अब डिटेल बढ़ाते हैं। आपको हमने बहुत छोटे 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 सवाल बताए थे और मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए थे, है ना। फंडामेंटल लॉ मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास का कि m1 r1 बराबर m2 r2। तो मैंने शायद कुछ क्वेश्चंस दिए थे, है वो क्वेश्चन मैं करवा दूँ। वैसे मेरे को पता नहीं ध्यान में भी है कि नहीं आएंगे। वैसे तो मेरे को याद है कि क्वेश्चंस क्या हैं, है ना। लेकिन अगर मान लो चेंज हो जाए तो कोई चिंताजनक बात नहीं है। सबसे पहला तो आपका ये वाला कंसेप्ट तो आपको पता ही है, m1 r1 बराबर m2 r2, टू पार्टिकल सिस्टम, है ना। अब देखिए, सबसे पहले सवाल था हमारा कि अगर एक स्क्वायर है ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड ए है, तो बेटा स्क्वायर की साइड अगर ए है तो डायगोनल कितना होता है? स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल होता है √2a, डायगोनल होता है √2a। पक्का? पक्का। इस कंप्लीट स्क्वायर का सेंटर कहाँ होता है? कंप्लीट स्क्वायर का सेंटर यहां होता है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर। हमने क्या किया था, इस स्क्वायर में से एक क्वार्टर स्क्वायर का टुकड़ा काट दिया था, क्वार्टर को काट दिया था, है ना, चौथाई टुकड़ा काटा था, काट के फेंक दिया था क्या? मतलब साइड में रख दिया होगा कहीं पे, फेंका तो नहीं होगा, है ना। हाँ देखना, ये आपका क्वार्टर टुकड़ा कट गया, करेक्ट। अब आप देखो, अगर मैं ऐसा कहूं कि भाई ये स्क्वायर जो है अगर मैं ऐसा कहूं कि जो स्क्वायर है उसका सारे का मास अगर m हो, सारे स्क्वायर का मास m हो, तो इफ m वाज मास ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, इफ m वाज मास ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, है ना, तो बताओ ये कितना होगा, m/4। ये कितना होगा? m/4। ये कितना होगा? m/4 होगा ना, करेक्ट। ये m/4 और ये m/4, तो इस वाले पीस का और इस वाले पीस का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? यहां पर। इस वाले पीस का और इस वाले पीस का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहां आएगा, और इसका टोटल मास कितना होगा? m/2, क्योंकि चार टुकड़ों के m/4 m/4 m/4, राइट। अब ये वाला एक जो m/4 बचा है, इसका अपना सेंटर यहां, अपना अपना खुद का ये m/4 बचा है, इसका अपना सेंटर यहां है। अब जरा मेरे को बताना आप यहां से डायग्राम बना करके कि अगर ये पूरा डायगोनल √2a है तो बेटा ये आधा क्या था यहां से यहां तक? पूरा आधा यहां से यहां तक का आधा डायगोनल, तो इसमें मैं 2 का भाग लगा दूं, 2 का भाग लगा दूं ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां से यहां तक का ये था √2a/2, यानी a/√2 है, a/√2, करेक्ट बेटा। ये जो है ना आधा डायगोनल a/√2 है, आधा आधा ये वाला a/√2 है, ये वाला a/√2 है। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी ये बताओ मेरे को, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी a/√2, इसका भी आधा होगा, इसका भी आधा होगा, तो ये a/√2 होगा। कुल मिलाकर के मेरे पास दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, है ना। मैं इन पॉइंट को अलग अलग कलर से लिख देता हूं। मैं ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मास कितना है? m/2। इस पॉइंट का मास कितना है? m/4। और दोनों मासेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? a/√2। तो मैं अब इसका रिजल्ट बना देता हूं, इसका रिजल्ट मैं यहां बना रहा हूं, देखना सभी बच्चे रिजल्ट को चेक करेंगे। रिजल्ट बना रहा हूं, ये पार्टिकल है m/2 और ये पार्टिकल है m/4 और ये डिस्टेंस है a/√2।
ये सीन है आपका। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास चाहिए, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, इस पॉइंट से मान लेता हूं सेंटर ऑफ मास यहां है, यहां है। तो अब मैंने अगर इस जगह सेंटर ऑफ मास मान लिया, मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, अलग कलर से बेटा, ये m बाई टू है, ये m बाई फोर है, मैंने यहां सेंटर ऑफ मास मान लिया क्योंकि उसके पास में होगा, m बाई टू के ज्यादा पास में होगा, है ना। हाँ, तो मैं इसको r1 कह देता हूं यहां से यहां तक, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका इतना आ जाएगा, कितना, इतना। मैं बताता हूं, अगर मैंने इसको r1 बोला ना, अगर मैंने इस डिस्टेंस को r1 बोला, तो पता है ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी a अपॉन टू रूट टू माइनस r1। हाँ, ये बात, ये डिस्टेंस a अपॉन टू रूट टू माइनस r1 होगी, क्योंकि वो पूरी 8 अपॉन टू रूट टू है वहां से वहां तक, करेक्ट। अब मैं r1 की वैल्यू बता देता हूँ, बता दो, मैं इसके लिए r1 की वैल्यू बता रहा हूँ, r1 बराबर m टू r, ये आपको पढ़ाया था, ये आपको पढ़ाया था मैंने, r1 बराबर m टू r अपॉन m1 प्लस m2, पढ़ाया था क्या, पढ़ाया। चलो अब r2 बराबर m2, m2 की जगह आप वो लिखोगे, ये r1 है वो m2 है, m2 की जगह m बाई फोर लिखो, और r, r की जगह क्या लिखोगे, r की जगह आप वो लिखो पूरी डिस्टेंस, बस ये आपका आंसर आएगा। अब आप चेक करिए, मैं सारा लिख रहा हूँ अच्छी तरह से, है ना, m से m काट देता हूँ, मैं m से m काट देता हूँ, है ना। ये आएगा a अपॉन एट रूट टू अपॉन वन बाई टू प्लस वन बाई फोर, थ्री बाई फोर आएगा, ठीक है जी। हाँ, तो मुझे लगता है ये आ जाएगा a अपॉन सिक्स रूट टू आ जाएगा, दिस इज योर आंसर फॉर दिस केस। हमने अभी चौथा ही टुकड़ा जो है ना काट करके रख दिया था कहीं पर, अब हम उसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए मैं बना रहा हूँ डायग्राम, जो चौथाई टुकड़ा काटा था ना उसको अब जोड़ूंगा, देखना कैसे कैसे जोड़ूंगा, कैसे जोड़ूंगा। देखिए काट के हमने अब यहाँ से कनेक्ट करना है, कर दिया कनेक्ट। अब इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, थोड़ा डायग्राम जो है ना मेरे से अच्छा नहीं बनता, डायग्राम बनाना आता नहीं है मेरे को एक्चुअल में। एक मिनट जरा, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना। हाँ, डायग्राम बनाना आता नहीं है मेरे को अच्छी तरह, कोई बात नहीं, देख लो इधर। अब आप देखो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास बताना मेरे को एक सेकंड का काम है, हैं? आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके और सोचो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी देर लगेगी, इसका सेंटर ऑफ मास बताने में एक मतलब 15 सेकंड से ज़्यादा का टाइम है, वीडियो पॉज करके करवाओ। देखो ये आपका सीन है पूरा, ये m बाई फोर है, 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 करेक्ट। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस वाले m बाई फोर, इसको मैं थोड़ा यहां लिख दे रहा हूं m बाई फोर को, मुझे इस डायगोनल की जरूरत है, मुझे इस डायगोनल की जरूरत है। इस डायगोनल की वैल्यू कितनी है बताओ, इस डायगोनल की वैल्यू कितनी है पूरी, इस डायगोनल की वैल्यू है a अपॉन टू रूट टू, ये इस डायगोनल की वैल्यू, करेक्ट। अब देखो ये m बाई फोर है, ये m बाई फोर है, ये m बाई फोर है, ये भी m बाई फोर है, तो मेरे को यहाँ दो पॉइंट मिल रहे हैं बड़े आराम से। मैं दोनों पॉइंट को ग्रीन डॉट से लगा रहा हूँ, पहला ग्रीन डॉट यहाँ पर और अगला ग्रीन डॉट यहाँ पर। मैं कहता हूँ दिस m बाई फोर एंड दिस m बाई फोर बोथ आर हैविंग देयर सेंटर ऑफ मास हियर एंड दैट इज m बाई टू इक्वल टू m बाई टू, दिस m बाई फोर एंड दिस m बाई फोर बोथ आर इक्वल एंड हैविंग सेंटर ऑफ मास हियर, सो दिस इज m बाई टू, मीन्स इन टोटल एज अ रिजल्ट वी हैव टू पार्टिकल सिस्टम, वन पार्टिकल इज m बाई टू, अदर पार्टिकल इज m बाई टू, द सेंटर विल बी हियर,
सो व्हाट विल बी द पोजिशन ऑफ द सेंटर? पोजिशन ऑफ द सेंटर विल बी हाफ ऑफ दिस, तो ए अपॉन 4√2 इज द राइट आंसर. यहां से ए अपॉन 4√2 फ्रॉम दिस, दिस इज द रिजल्ट, दिस द रिजल्ट, ए अपॉन 4√2, आधा आधा हो जाएगा. करेक्ट, तो कितना आसान था, है ना? हाँ, तो दिस इज वेरी वेरी इजी, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, है ना? चलो मिटा दिया. अब हम बात करेंगे आगे वाले की. जो हमारा था शायद डिस्क काटा था हमने, है ना? डिस्क, देखिए हमारी जो डिस्क थी उस डिस्क की रेडियस कैपिटल आर थी, है ना? ये बेटा जो डिस्क थी ना, इसका सेंटर यहां था, सेंटर ऑफ मास भी यही था. अब हमने इस डिस्क में से एक डिस्क काट कर दी, उसकी रेडियस r बाय 2 थी. करेक्ट. अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो हमारा रिजल्ट निकल करके आया है, रिजल्ट यह है कि इसका पूरी डिस्क का मास अगर कैपिटल M है, कैपिटल M इज मास ऑफ कंप्लीट डिस्क, then what will be mass of this disc r by 2? मैं बताऊं, m by 4 होगा, क्योंकि disc का mass जो है ना, disc का mass वो proportional to area के बराबर होता है, area के, जितना बड़ा area उतना बड़ा mass. अब देखो आपकी जो ये full disc थी, complete disc, तो what is the area of complete disc? pi r square. what is the area of कट काट देने वाले की बाद में, तो दैट इज आर बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाई 4. चेक करिए, ये आएगा एक मिनट. करेक्ट. अब आप यहां पे ध्यान दीजिए कि ये m बाई 4 मास काट करके फेंक दिया, m बाई 4 मास काट करके फेंक दिया, तो फिर कितना बच गया? फिर ये बच गया है आपका 3/4 m. तो m बाई 4 हमने काट डाला यहां से, इधर बच गया 3/4 m. नेचुरल है, जब m बाई 4 कट गया तो 3/4 बच गया, राइट. जब ये वापस यहां पे जोड़ दें, अगर हम एक सेकंड के लिए, तो सेंटर यहां है, तो इसका मतलब अब फाइनल सेंटर इधर आएगा कहीं, क्योंकि उधर से तो माल कट गया. तो मैं इसको x कह देता हूं, मैं इसको क्या करता हूं, x कह देता हूं. अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस r बाई 2 है, r बाई 2. अब पता है, मैं इसका पता लगाने के लिए क्या करूंगा, इस x का पता लगाने के लिए, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल सेंटर है, ये हमारा डिस्क का फंडामेंटल सेंटर है, कंप्लीट डिस्क का. तो कंप्लीट डिस्क का सेंटर जो हमारा था वो तो ओरिजिनल सेंटर, हमने उसमें से m बाई 4 काट दिया और 3 m बाई 4 बच गया. हमें इस 3 m बाई 4 का सेंटर चाहिए जो बचा हुआ है. तो हम एक काम करते हैं, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये डिस्क वहां है, m बाई 4 वाली मान लेते हैं यार, फिर हटा दे दो मिनट वापस से. तो देखो, हमने कहा m1 r1 इक्वल टू m2 r2. m1 है आपका 3/4 m, r1 है आपका x 3/4 m, इसका सेंटर यहां माना है हमने x. M2 कितना है? M by 4. आपका R2 कितना है? R by 2 है.
बस आपका एक्स आ गया आर बाई सिक्स, दिस इज योर आंसर। तो ये सेंटर आ गया। अच्छा अब एक बार जरा हम इसको वापस से करते हैं कि यहां से जो काटा था, जो सामान, जो माल हमने यहां से काटा था, यहां से जो माल काटा था उसको इधर जोड़ दिया, अब क्या होगा बेटा? यहां से मास कितना काटा? m बाई फोर काटा था, यहां पर m बाई फोर जोड़ दिया। अच्छा ये बचा कितना? 3m बाई फोर बचा था, 3m बाई फोर बचा था। मैं ऐसा करता हूं, एक इमेजिनरी कट और लगा देता हूं, इमेजिनरी कट, सच में नहीं काटूंगा। ये एक और काट दिया, तो इसका कितना मास? m बाई फोर। अब देखो एक m बाई फोर हमने वहां से काट के यहां रख दिया, ये एक m बाई फोर मैंने इमेजिनरी काट डाला, इमेजिनरी काट डाला। तो बेटा बाकी जो बच गया था, ये वाला माल, यहां जो सामान बचा है, यहां जो सामान बचा है, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, काटा सिमेट्रिक है, काटा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है ना, जो इधर काटा उधर काटा। तो मैं बताऊं क्या है, ये m बाई फोर काट के हमने यहां जोड़ा, यहां m बाई फोर है, ये भी m बाई फोर होगा और ये भी m बाई फोर होगा, गारंटी से। अब आप समझने की कोशिश करो मामले को, इस वाले m बाई फोर और इस वाले m बाई फोर का सेंटर यहां, इस वाले m बाई फोर, इस वाले m बाई फोर का सेंटर यहां, और इस वाले m बाई फोर और इस वाले m बाई फोर का सेंटर यहां। सो दिस सेंटर इज हियर एंड दिस सेंटर इज हियर, सो वेयर विल बी द रिजल्टेंट सेंटर? रिजल्टेंट सेंटर विल बी हियर, राइट? सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज आर बाई टू, इसका मतलब इसका आंसर आर बाई टू आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? आर बाई टू आएगा, ठीक है जी। चलिए ये सब आपके क्वेश्चन हमने दिए थे जो हमने सॉल्व कर दिए हैं, करेक्ट? चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। इसके अलावा आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो यू कैन डिस्कस इन जूम सेशन। चलो जी अब देखिए, अब हम मैथमेटिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, मैथमेटिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैथमेटिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैं वन बाई वन बातें करूंगा सारी, आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ लेनी है, ठीक है? तो मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, सबसे नंबर वन बात मैं करूंगा, इफ पार्टिकल्स एम वन, एम टू, एम थ्री, एम एन आर एट पोजिशंस, इफ पार्टिकल्स एम वन, एम टू, एम थ्री, एम एन आर at positions r1 vector, rn vector, then the position vector of the center of mass cm, cm माने center of mass, correct? आप इसको अगर चाहें तो मैं c ऑफ मास लिख देता हूं, तो ये होगा बेटा आर वेक्टर सेंटर ऑफ मास। इसको हम लिखेंगे m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, mn rn वेक्टर अपॉन m1 mn। इसको पता है हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं सिग्मा एम आर
वेक्टर अपॉन सिग्मा एम, ऐसे लिखते हैं सिग्मा एम आर वेक्टर अपॉन सिग्मा एम। सिग्मा एम आर वेक्टर अपॉन सिग्मा एम को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा एम आर वेक्टर अपॉन सिग्मा एम को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आर वेक्टर डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। एक्चुअल में सिग्मा का मतलब ही इंटीग्रेशन होता है। तो आप देखिए ये जो है ना, ये सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है, सेंटर ऑफ मास की पोजिशन वैक्टर का स्टेटमेंट दिया है। क्या दिया है? सेंटर ऑफ मास की पोजिशन वैक्टर का स्टेटमेंट दिया है। अब मैं यहाँ पर एक्स सेंटर ऑफ मास लिख रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो मैं एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख दे रहा हूँ। क्या आएगा? एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम एन एक्स एन अपॉन, वही बकवास की है, कोई जोरदार बात नहीं की है, इसे कह देंगे हम सिग्मा एम एक्स अपॉन सिग्मा एम। इसे कह देंगे इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन डी एम, ऐसे बोलेंगे हम, राइट। इसी तरीके से वाई सेंटर ऑफ मास भी बोल देंगे हम, है ना। वाई सेंटर ऑफ मास बोलेंगे क्या? एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री, है ना। हाँ, तो सिग्मा एम वाई अपॉन सिग्मा एम बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम बोलेंगे, करेक्ट। ओके, जेड सेंटर ऑफ मास सिग्मा एम जेड अपॉन सिग्मा एम, वही बकवास है, बोर हो जाओगे लिखते लिखते, है ना। हाँ, ये तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आगे एक जोरदार बात है, वो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यह है सिग्मा एम इंटू वी वैक्टर अपॉन सिग्मा एम। हाँ, ये असली चीज है, ये असली चीज है। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट इज सिग्मा एम ए वेक्टर अपॉन सिग्मा एम। मैं यहां पर कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो, दिस इज ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ मास की मैथमेटिक्स है ये पूरी की पूरी, है ना। देखो बड़ा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ये एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। कभी भी एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो आप नेट फोर्स निकालिए, उसमें टोटल मास का भाग लगा दीजिए, वो क्या होगा? नेट फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। यहां पर आपको मैं दो बातें बता देना चाहता हूं। सबसे पहली लाइन में लिखना चाहूंगा, इफ अ सिस्टम ऑफ इफ अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल मास पार्टिकल्स इफ अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल मास पार्टिकल्स Particles is having net external force zero, if a system of multiple mass particles is having net external force zero, net external force zero हो, अगर net external force zero है, then वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ये कभी भी नहीं बदलेगी। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कॉन्स्टेंट अगर उस पर क्या है, टोटल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। इफ यू वांट टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, देन यू हैव टू एग्जर्ट सम
एक्सटर्नल फोर्स, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इफ यू वांट टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। तो बहुत ही खास तरह की बात है ये, है ना, ध्यान दो। इफ यू वांट टू चेंज, इफ यू वांट टू चेंज द velocity of center of mass, center of mass of any system, then you must exert external force, external force लगाना पड़ेगा साहब, है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स यू कैन नॉट चेंज सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, है ना। इफ अ बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आर हैविंग वी सेंटर ऑफ मास, v center of mass initially zero, then v center of mass will remain zero. If a body or system of particles are having v center of mass initially zero, then v center of mass will remain zero if no external force is acting on the system। कि साहब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फिर कुछ भी कर लो जी, आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होना ही नहीं है, इट विल रिमेन एट रेस्ट। जैसे एक एग्जांपल, मान लो यहाँ पे एक बॉम्ब है, बॉम्ब BOMB बॉम्ब रखा है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं है। इस समय बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास यहां है। अब इसमें एक्सप्लोजन हुआ, अचानक से बॉम्ब फूट गया तो इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, टुकड़े हो गए, है ना। सेंटर ऑफ मास विल रिमेन हियर ओनली बिकॉज बॉम्ब इज हैविंग नो एक्सटर्नल फोर्स। जितने भी टुकड़े उकड़े थे ना, सब ये धमाका जो उड़ा है, ये इंटरनल फोर्सेस का कमाल है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया है, इसलिए वो सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। मैं आपको कुछ जोरदार बातें बताता हूँ, देखो मजा आएगा, अलग अलग चीजें हैं। देखो क्या हुआ, मेरे पास दो बॉम्ब थे, कितने बॉम्ब थे, दो बॉम्ब थे, देखना दो बॉम्ब का क्या हाल हो रहा है। ये ग्राउंड है, मैं यहां खड़ा हूं, मैंने यहां से एक बॉम्ब फेंका, मेरे पास दो बॉम्ब है, कितने हैं, दो, एक बॉम्ब मैंने फेंका, तो मैंने एक बॉम्ब यहां से फेंका और ये बॉम्ब यहां जाके गिर गया, कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। दो बॉम्ब थे एकदम इक्वल साइज, इक्वल मास, है ना। तो दो बॉम्ब थे, एक बॉम्ब मैंने यहां फेंका और यहां जाके गिर गया, फूटा ही नहीं, एक्सप्लोजन नहीं हुआ, वेस्ट हो गया। फिर दूसरा बम फेंका तो वो यहाँ जाकर के दो पार्ट्स में बट गया, इस जगह पे, यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, यहाँ से मैंने फेंका, एक्सप्लोजन यहाँ हुआ, तो ये दो पार्ट्स में बट गया, दो बराबर टुकड़े हो गए इसके, है ना। एक इक्वल पास जो है, इक्वल पार्ट, वो यहाँ वापस आ गया मेरे ऊपर,
मेरे को चोट नहीं लगी क्योंकि मैं भाग गया था पहले ही, मेरे को पता था ये वापस आएगा। तो यहां से मैंने फेंका, यहां था ये, वापस आ गया आधा वाला हिस्सा। तो ये एम था, ये यहां से जाके इसके दो टुकड़े हो गए एम बाई टू, एम बाई टू, एम बाई टू, यहां वापस आ गया, रिटर्न बैक। तो वेयर विल द अदर एम बाई टू विल गो, वेयर विल अदर एम बाई टू गो, बताओ कहां जाएगा? एक एम बाई टू यहां आ गया, एक एम बाई टू यहां आ गया। आप मेरी सारी बातें वापस से सुनिए। मेरे पास दो बॉम्ब थे, पहला बॉम्ब मैंने यहां से फेंका, वो यहां आके गिर गया, कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ, राइट। फिर मैंने दूसरा बॉम्ब फेंका, वो यहां पे एक्सप्लोड हो गया दो पार्ट में, एम बाई टू यहां आ गया, तो बाकी वाला एम बाई टू कहां जाएगा? मैं बताऊं कहां जाएगा? ऐसी जगह जाएगा, ऐसी जगह जाएगा बाकी वाला एम बाई टू, जिससे कि सेंटर ऑफ मास यहां आ गए, क्योंकि ये उसकी सेंटर ऑफ लोकेशन वो वाली थी कि अगर ये एक्सप्लोजन ना होता तो यहीं आता, अगर एक्सप्लोजन ना होता, अगर एक्सप्लोजन ना होता तो यहाँ आता, यहाँ आता, लेकिन एक्सप्लोजन हो गया, इसलिए अब ये तो यहाँ चला गया। अब उस दूसरे वाले हिस्से को ऐसा गिरना चाहिए, ऐसी जगह जाके गिरना चाहिए, ऐसा जोरदार गिरना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास यहीं आ जाए। तो भैया इसको ऐसा करो, यहाँ गिरा दो, वहाँ गिरा दो। कितनी दूर, ये कितना था? ये आर था, ये रेंज थी ना प्रोजेक्टाइल की, तो वो आर डिस्टेंस पे गिरेगा, प्रोजेक्टाइल की रेंज वहां कवर करेगा, जिससे कि ये डिस्टेंस आर और ये डिस्टेंस आर, तो सुनो ये एम बाई टू, एक मिनट जरा, एक मिनट बेटा, हाँ ये एम बाई टू यहाँ आ गया, ये यहां पर, ये यहां पर आर आ गया पोजिशन, समझ रहे हो ना? तो ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है ना, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट। अब देखो एक चीज और बता देता हूँ आपको, चलो एक सवाल और बता देते हैं आपको, इसी तरह का एक सवाल और बता देते हैं जी, बता दें। ध्यान दो। मान लो मैंने यहां से एक बॉम्ब फेंका और ये बॉम्ब अगर ना फटे तो यहां आके गिरे, अगर ना फटे, नो एक्सप्लोजन, तो यहां आके गिरेगा। दिस इज कॉल्ड एज आर रेंज, और ये क्या है? ये आपकी पोजीशन है। यहां पर इसके दो हिस्से हो गए, एम बाई टू और एम बाई टू, और एम बाई टू यहीं गिर गया, एक एक एम बाई टू यहां गिर गया, ऐसा हो गया। तो अगला एम बाई टू कहां जाना चाहिए? क्योंकि अगर एक्सप्लोजन ना होता तो यहां सेंटर होता, तो भैया अब भी सेंटर यहीं आना चाहिए चाहे एक्सप्लोजन हो गया, यानी एक्सप्लोजन हो जाने के कारण सेंटर में चेंज नहीं आना चाहिए। तो भैया ये यहां आके गिरेगा आर बाई टू पोजिशन पे, यहां से आर बाई टू पोजिशन, ठीक है ना? देखिए आप जो है ना, ये आपके जो क्वेश्चन है डू योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर वन आप करेंगे, डू योर सेल्फ, इसका क्वेश्चन नंबर वन आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू भी आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर भी आपको करना है, हाँ क्वेश्चन नंबर फोर भी आपको करना है, क्वेश्चन नंबर फाइव, चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव भी मैं करा दूंगा क्वेश्चन नंबर फाइव, लेकिन क्वेश्चन नंबर फोर तक आपको करना है, वन टू थ्री फोर आपको करना है, राइट? हाँ जी, वन टू थ्री फोर करना है आपको, क्वेश्चन नंबर फाइव मैं करा दूंगा, और ये डू योर सेल्फ जो आपका फॉर्मूला चार्ट है ना, उसके डू योर सेल्फ की बातें कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फाइव मैं करा दूंगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स भी मैं करा दूंगा, क्वेश्चन नंबर सेवन भी मैं करा दूंगा, क्वेश्चन नंबर एट भी मैं करा दूंगा, ठीक है? आपको एक दो तीन चार करने हैं, ठीक है, करिए। और उसके बाद में ये जो फ्यू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडीज हैं, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, हेमी स्फेरिकल सेल, ये मैं आपको प्रूव कराऊंगा, मतलब इसको हम डेराइव करेंगे, सबको डेराइव करेंगे, तो अगले लेक्चर में डेरिवेशन करेंगे।